हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहां पे हमने अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कि अगले कुछ वीडियोस में हम ये सीखेंगे कि हम अपने न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। सो मैंने एक काम किया है, मैंने एक चीट शीट सॉर्ट ऑफ बनाया है, जिसको देख करके मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट मी शो यू दैट चीट शीट। इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके लिए बना रखा है कि फ्यूचर में आपके लिए एक रेफरेंस का काम करे। यहाँ पे मैंने वो सारे तरीके लिख रखे हैं जिसको यूज करके आप अपने न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सारे की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो यू कैन चेंज योर एक्टिवेशन फंक्शंस, यू कैन ऑल्सो डू डिफरेंट काइंड ऑफ वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स। अगर आप ओवरफिटिंग फेस कर रहे हो तो आप ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो। इसी में हमने अर्ली स्टॉपिंग लास्ट वीडियो में कवर किया था। फिर नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप है, ग्रेडियंट चेकिंग एंड क्लिपिंग एक स्टेप है, ऑप्टिमाइजर्स, लर्निंग रेट शेड्यूलिंग और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजों को करके आप अपने न्यूरल नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो हमने अभी तक सिर्फ एक चीज पढ़ी है, अर्ली स्टॉपिंग, जिसको यूज करके आप ओवर फिटिंग को रिड्यूस कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे और वो है नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स, ठीक है। इसको यूज करके आप अपने न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे रैंडमली टॉपिक्स क्यों उठा रहा हूँ, बिकॉज जो इजी टॉपिक्स मैं पहले एक बार करा देना चाहता हूँ, उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। आज का टॉपिक वुड बी नॉर्मलाइजेशन, और उसमें भी हम सीखेंगे नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स। बेसिकली मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सो लेट्स से आप एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, जहां पे आपके पास दो इनपुट कॉलम्स हैं और आपको आउटपुट में येस और नो प्रेडिक्ट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके दोनों इनपुट कॉलम्स का स्केल बहुत अलग होगा, स्केल का मतलब कि रेंज बहुत अलग होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इनपुट कॉलम आपका है एज और दूसरा है सैलरी। तो एज सोचो कितना रेंज में हो सकता है, 0 से लेके 60, 70, 80 एट मैक्स। सैलरी में बहुत ज्यादा रेंज हो सकता है, मतलब सैलरी कुड बी थाउजेंड्स और लैक्स और करोड्स। सो अगर आप इस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हो, जहां पे एक इनपुट फीचर बहुत छोटे रेंज में है और दूसरा बहुत बड़े रेंज में, तो आप नोटिस करोगे कि आप जब इस तरह के डेटा के ऊपर अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कराते हो, तो आपका न्यूरल नेटवर्क बहुत टाइम लेता है कुछ सीखने में, वेट्स अपडेट करने में, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है कि आप अपने जो इनपुट्स हैं उनको सेम स्केल पे ले आओ, ठीक है। इसी को बोला जाता है नॉर्मलाइजिंग इनपुट्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि सच में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा, व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। फिर हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन कैसे काम कर रहा है, हम उस चीज का भी एक इंट्यूशन लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक गूगल कोलैब नोटबुक ऑलरेडी बना रखा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे चीजें इंपोर्ट हुई है, यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट को इंपोर्ट किया है। ये एक बहुत फेमस डेटा सेट है, मैंने पास्ट में भी अपने चैनल पे इसके ऊपर कई बार काम करवाया है। ये रहा ये डेटा सेट, इसमें तीन चीजें हैं, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेस्ड। एज बहुत ही छोटे रेंज में है, टेंस में है, एस्टिमेटेड सैलरी थाउजेंड्स में या लैक्स में है, ठीक है, और परचेस्ड 0 या 1 है, खरीदा या नहीं, ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने ग्राफ प्लॉट करके एक बार दिखाया है, स्कैटर प्लॉट, कि एज वर्सेस सैलरी का ग्राफ कैसा है। इसका काम हमें थोड़ा आगे आएगा, बट फिलहाल देख सकते हो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्स और वाई को अलग अलग किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, उसके बाद मैंने टेंसर फ्लो की सारी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया और मैंने एक मॉडल बनाया, एक डीप लर्निंग मॉडल बनाया, जहां पे देर आर 3 लेयर्स, 1 इनपुट, 1 हिडन एंड 1 आउटपुट लेयर। जो हिडन लेयर है उसमें 128 न्यूरॉन्स है, एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू है, और जो मेरा आउटपुट न्यूरॉन है उसमें एक नोड है और आउटपुट फंक्शन इज सिग्मॉइड, बिकॉज ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद मैंने मॉडल का समरी निकाला, दिस इज द समरी, आई गेस ये सब आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद मैंने मॉडल को कंपाइल किया, ऑप्टिमाइजर मैंने एडम रखा, लॉस मेरा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है और मेट्रिक मैंने एक्यूरेसी रखा। यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, मैंने वैलिडेशन में एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दे दिया, तुरंत मुझे वैलिडेशन एक्यूरेसी से समझ में आएगा कि मेरा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। और मैंने फिलहाल 100 epochs के लिए मेरे मॉडल को ट्रेन किया। अब जब मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है
वो 40 और 60 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और जब ट्रेनिंग खत्म भी हो गया, लाइक 100 ईपॉक्स खत्म हो गए, उसके बाद भी वैलिडेशन एक्यूरेसी 60 के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया वैलिडेशन एक्यूरेसी का, दिस इज द रिजल्ट। 100 ईपॉक्स में एक्यूरेसी 60 से 40, 60 से 40 ऑसिलेट करता रह गया, बट कभी भी कन्वर्ज नहीं किया। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपके इनपुट कॉलम्स का स्केल बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, तो आपका न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होने में बहुत टाइम लेता है, या फिर कुछ सिनेरियोज में हो सकता है कि वो ट्रेन हो ही ना पाए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी थोड़े ज्यादा ईपॉक्स में ये थोड़ा इंप्रूव कर जाता, बट फिलहाल तो इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इररेगुलरिटी, ये इनकंसिस्टेंसी के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब गाइज ऐसा क्यों होता है, इसका मैं आपको बहुत सिंपल इंट्यूशन देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने बैक प्रोपोगेशन पढ़ा होगा तो आप शायद खुद समझ पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो आपके पास दो फीचर्स हैं, X1 एंड X2, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट्स होंगे, लेट्स कॉल देम W1 एंड W2। मान लो X2 मेरा सैलरी वाला फीचर है और X1 मेरा एज वाला फीचर है। तो होगा क्या कि जब बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम काम करेगा, बैक प्रोपोगेशन में आप इन वेट्स को अपडेट करते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो सिंस W2 एक बड़े फीचर से रिलेटेड है, तो सारा का सारा फोकस ड्यूरिंग अपडेशन चला जाएगा W2 के ऊपर। मतलब पूरा एल्गोरिदम जो है वो फोकस करेगा W2 के ऊपर और W1 को उतना वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादा चेंजेस उसको दिखाई देंगे W2 में होते हुए, तो W1 को वो काइंड ऑफ इग्नोर करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एंड्रू इंग ने इस चीज का एक बहुत बढ़िया काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दिया कि ऐसा क्यों होता है, कि ट्रेनिंग अनस्टेबल क्यों होती है। इसका रीजन ये है कि अगर आप एक अननॉर्मलाइज डेटा के साथ काम कर रहे हो, अननॉर्मलाइज मतलब जहां पे डेटा का स्केल अलग अलग है, एज और सैलरी जैसा, वहां पे जो आपका कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो दोनों तरीके से, दोनों डायमेंशंस में अनइवन है, ठीक है। देख रहे हो, एक तरफ ये थोड़ा सा ज्यादा है और दूसरी तरफ थोड़ा सा कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये कॉन्टूर है इस लॉस फंक्शन का, यू कैन सी जो आपका ट्रेनिंग होता है वो बहुत ऑसिलेट करता है बिफोर रीचिंग द करेक्ट सोल्यूशन। वेयर एज अगर आप एक नॉर्मलाइज्ड इनपुट दो, नॉर्मलाइज्ड इनपुट का मतलब है कि आपके दोनों फीचर्स सेम स्केल में हो, तो आपका जो लॉस फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, बहुत ही सिमेट्रिकल। अब इस सिमेट्री की वजह से अगर आप इस कॉन्टूर पे फोकस करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे पहुंचना बहुत इजी है, उतने ऑसिलेशंस होंगे नहीं। तो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन इस पूरी चीज का यही है कि अगर आपके पास अननॉर्मलाइज्ड फीचर्स हैं, मतलब अलग अलग स्केल वाले फीचर्स हैं, तो आपका लॉस फंक्शन विल बी नॉन सिमेट्रिकल। वेयर एज अगर आपके पास नॉर्मलाइज्ड इनपुट्स हैं, तो फिर आपका जो लॉस फंक्शन होगा इट वुड बी सिमेट्रिकल, उसका कॉन्टूर इस तरीके का होगा, और इसको ट्रैवर्स कर पाना आपके बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम के लिए बहुत इजी होगा। ग्रेडियंट डिसेंट बहुत जल्दी कन्वर्ज करके सही सॉल्यूशन पे पहुंच जाएगा। इनफैक्ट ये चीज मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें फीचर स्केलिंग करनी है, ठीक है। हमें अपने दोनों फीचर्स को सेम स्केल पे लेके आना है, और हमने मशीन लर्निंग में सीखा है ये कैसे होता है। हमने दो तरीके सीखे थे, या तो फिर आप स्टैंडर्डाइज करते हो या फिर आप नॉर्मलाइज करते हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने हर वैल्यू में से मीन को घटाते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हो, और नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आप अपने हर वैल्यू को मीन से डिवाइड करके, सॉरी मीन से सब्ट्रैक्ट करके इस वैल्यू से डिवाइड करते हो, ठीक है। इन दोनों का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन मैंने आपको बताया था, इन दोनों का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कि अगर आपका ग्राफ, आपका डेटा कुछ इस तरीके से है, मान लो कुछ इस तरीके से है, तो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले मीन सेंटरिंग कर रहे हो, सारे के सारे डेटा को आप मीन उसका जीरो बना रहे हो, इस डेटा का आप मीन जीरो कर रहे हो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन कर रहे हो। सो बेसिकली आप उसको एक यूनिट सर्कल में लेके आ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपका डेटा आ जाता है, ठीक है। और
नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है कि आप उसको एक यूनिट बॉक्स में लेके आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आपका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा इस बॉक्स में आ जाएगा। यही इंट्यूशन होता है इन दोनों का। ये मैंने बहुत डिटेल में अपने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में समझाया है, दोनों वीडियोस का लिंक मैं डाल दूंगा, बट जिस्ट में नटशेल में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अनस्केल्ड डेटा है तो आप उसको या तो स्टैंडर्डाइज कर दो या फिर आप उसको नॉर्मलाइज कर दो। दोनों ही ऑपरेशन से क्या होता है कि आपका डेटा बराबर स्केल में आ जाता है, ठीक है, और बराबर स्केल में जैसे ही आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शायद मैं बताना भूल गया कि जब आप स्टैंडर्डाइज करते हो तो जनरली -1 to +1 के बीच में आ जाता है, और जब आप नॉर्मलाइज करते हो तो 0 to 1 के बीच में आ जाता है। तो जैसे ही आप सेम स्केल में ले आते हो तो फिर आपके पास आपका सॉल्यूशन आ गया। आपको बस क्या करना है, नॉर्मल बैक प्रोपोगेशन चलाना है, सिंस आपका कॉस्ट फंक्शन बहुत सिमेट्रिकल होगा, आप तुरंत सॉल्यूशन पे कन्वर्ज कर जाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कब स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, कब नॉर्मलाइज करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले से पता है कि आपका जो कॉलम है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है या मिनिमम वैल्यू कितना है, अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो फिर आप क्या करोगे, आप नॉर्मलाइज करोगे, अदरवाइज स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सैलरी है तो वी डोंट नो सैलरी में मैक्सिमम कितना हो सकता है या मिनिमम कितना हो सकता है, तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। बट अगर लेट्स से आप सीजीपीए का बात करो, जो जिसमें मुझे पता है कि मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 10 होगा, उस केस में व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली नॉर्मलाइज, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्सो अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका पीडीएफ अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या क्लोज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है मेरे वीडियो में 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट में, आप एक बार जाके वो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्सो अगर आपका डेटा पहले से सेम स्केल पे है तो करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली ट्रेन कर सकते हो न्यूरल नेटवर्क को दे करके, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको झट से सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि मैं क्या करूँगा जिससे मुझे सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं sklearn.preprocessing से स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कर रहा हूँ, दिस इज द क्लास, और मैं एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इंटू एक्स ट्रेन स्केल्ड, और मैं अपने टेस्ट डेटा को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ये कोड कर लूंगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रहा मेरा एक्स ट्रेन स्केल्ड, एंड यू कैन सी ये सारी वैल्यूज, इसमें जो पहला कॉलम है वो एज कॉलम है और ये जो दूसरा कॉलम है ये आपका सैलरी कॉलम है, बट यू कैन सी जो वैल्यूज हैं वो -1 to 1 के बीच में वेरी कर रही हैं। ऑल्सो अगर आप प्लॉट करके देखना चाहो बाय राइटिंग sns.scatterplot एक्स ट्रेन स्केल्ड, मुझे सारे रोज चाहिए, 0th कॉलम चाहिए, और सिमिलरली आई वुड जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट, और यहां पे मैं डाल दूंगा 1, एंड यू कैन सी ये ग्राफ और ऊपर जो ग्राफ था ये एग्जैक्टली सेम है, इन दोनों ग्राफ्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये देखो बस डिफरेंस क्या आ गया, स्केल में डिफरेंस आ गया। लेट मी शो यू, अगर आप नीचे जाओ ये देखो, बस स्केल का डिफरेंस देखो, ये डेटा रफली -1 to 1 के बीच में आ गया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, हमने और कुछ चेंजेस नहीं किए। और अब मैंने सेम मॉडल चलाया, सेम वही मॉडल है, 128 नोड्स वाला, रेल्यू है, 1 आउटपुट लेयर में है, सिग्मॉइड है, कंपाइल करने का पूरा प्रोसेस सेम है, और इसको भी मैंने एग्जैक्टली 100 epochs तक चलाया। बस यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने एक्स ट्रेन स्केल्ड दिया है और वैलिडेशन डेटा में एक्स टेस्ट स्केल्ड दिया है, और अब जब मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया यू वुड सी कॉन्स्टेंटली आपका एक्यूरेसी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इनफैक्ट 92% ब्रीच कर गया, एंड दिस इज द कर्व। जैसे जैसे epoch बढ़ रहा है आपका एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है, और ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज हमने ये किया, हमने अपने दोनों इनपुट्स को सेम स्केल पे ले आए और स्टैंडर्डाइजेशन यूज किया हमने ये करने के लिए, और उसके बाद हमारा काम बहुत ईजी हो गया, हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट था वो बहुत इजीली इस लॉस फंक्शन को ट्रैवर्स करके सही ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक पहुंच गया। तो मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ पूरे के पूरे वीडियो को, सिंपल सा फंडा है कि अगर
आपके पास एक ऐसा डेटा है जहां पे आपका जो स्केल है वो वेरी कर रहा है, एक बहुत छोटा है एक बहुत बड़ा है। तो इस तरह के इनपुट के ऊपर जब आप अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हो तो ट्रेनिंग या तो बहुत स्लो होता है या तो बहुत अनस्टेबल होता है और आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इस प्रॉब्लम का रीजन ये है कि आपके अलग अलग डेटा के स्केल होने की वजह से आपका जो लॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बहुत अनसिमेट्रिकल होता है और ग्रेडियंट डिसेंट उसको ट्रैवर्स नहीं कर पाता, उसको बहुत परेशानी होती है। सोल्यूशन क्या है कि आप अपने दोनों डेटा को या अपने पूरे डेटा को सेम स्केल पे ले आओ। सेम स्केल पे लाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्टैंडर्डाइजेशन कर लो या फिर नॉर्मलाइजेशन कर लो। ठीक है, दोनों तरीके से आप सेम स्केल पे ला सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन कब करना चाहिए? जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नॉर्मलाइजेशन कब करना चाहिए? जब आपको पता हो कि मैक्स और मिन वैल्यूज क्या है, ठीक है, या फिर आपके डेटा में आउटलायर्स वगैरह हैं। ये सब मैंने समझा रखा है, आप एक बार वो वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कब स्टैंडर्डाइजेशन करना है कब नॉर्मलाइजेशन करना है। बट जैसे ही आप दोनों को अपने पूरे डेटा को सेम स्केल पे लेके आओगे, यू वुड ऑटोमेटिकली नोटिस कि आपका ट्रेनिंग इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो समरी यही है कि हमेशा कर लेना ये वाला स्टेप। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही नोटिस किया है कि कभी भी ये स्टेप करने से नुकसान तो होता ही नहीं है, फायदा हो जाता है कई सिनेरियोज में। तो ये कर लेना चाहिए, टेक इट एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप कि जब भी मैं न्यूरल नेटवर्क को डेटा दूंगा मैं स्केल करके दूंगा। ठीक है, तो ये हमने आज एक और टॉपिक कवर किया विच इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप सीखना चाहते हो न्यूरल नेटवर्क को अच्छे से ट्रेन करना, उसमें ये जो चीज थी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट थी, हमने ये सीखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस शीट के जो बाकी टॉपिक्स हैं एक एक करके कवर करते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये सारे टेक्निक सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, आप किसी भी तरह के डेटा के ऊपर न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।